Hey guys, good morning all of you. Myself Sweta. I am your English teacher. Dear students, today I will give you some homework. Dear students, now start our class. Dear students, ये class 3 के लिए video मैं लेकर आई हूँ और English आप लोग का class 3 का English का first chapter जो poem था The Swing वो भी कंप्लीट हो चुका है और उसका जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था या फिर उसके उसका जो क्वेश्चन आंसर था वो भी कंप्लीट हो चुका है। इंग्लिश ग्रामर में मैं आप लोग के लिए लेकर आई थी दो वीडियो। फर्स्ट वीडियो में मैं लेकर आई थी व्हाट इज़ सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, और सेकंड वीडियो में मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर आई थी और पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताई थी कि क्या कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। और आज मैं कुछ होमवर्क लेके आई हूँ तो मैं ग्रामर से भी आज आप लोगों को होमवर्क दूंगी और फिर इंग्लिश के बुक से भी मैं होमवर्क दूंगी आप लोगों को। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर का होमवर्क जो है वो फर्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, और जो सेकंड जो क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप लोग को नेम लिखना है। फर्स्ट में नाउन, सेकंड में प्रोनाउन, ये सब बताए थे। 8 जो पार्ट्स होता है स्पीच का उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफरेंट 8 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है और 8 जो पार्ट्स था कल मैं पढ़ा दी थी और फिर आप लोग को ये होमवर्क मिल रहा है और कॉपी में एक नोटबुक बनाना है आप लोग को इंग्लिश ग्रामर का और इंग्लिश बुक का अलग अलग नोटबुक आप लोग को बनाना है और होमवर्क को भी कंप्लीट करना है। तो इंग्लिश के नोटबुक से मैं लेकर आई हूँ होमवर्क द स्विंग जो पोयम था आप लोग का, उस पोयम का 8 लाइन आप लोग को याद करके रखना है। यही आज आप लोग का होमवर्क है। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर का भी होमवर्क आप लोग को कंप्लीट कर लेना है और फिर इंग्लिश बुक का जो 8 लाइन पोयम है द स्विंग फर्स्ट चैप्टर है ये, इसको आप लोग को याद करके रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कर